आज इसीलिए श्रीनगर आया हूँ और अपने ऑफिसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग ले रहा हूँ, खास करके ट्यूलिप गार्डन के लिए। ट्यूलिप गार्डन हमारा जो कश्मीर का है, ये एशिया का नंबर वन ट्यूलिप गार्डन माना जाता है। पिछले साल हमारे यहाँ के ट्यूलिप गार्डन में 2,25,000 टूरिस्ट आए थे, बाकी स्टेट से भी, और जो काफ़ी अच्छा रहा था। हम इस साल उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इंशाल्लाह इस साल आएंगे, और इस साल भी जो ट्यूलिप गार्डन होगा वो पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे पास पिछले साल जो हमने लगाए थे 15,00,000 ट्यूलिप्स और बाकी फ्लावर्स लगाए थे, इस साल भी वही हम 15,00,000 बाकी फ्लावर्स लगा रहे हैं, हाइसन, मस्करीज और डेलिया लगा रहे हैं। हाइसन गार्डन हमने यहाँ पर सेपरेट बनाया है, जिसमें आपने कहा कि महक बहुत अच्छी आ रही है, उसके लिए भी लोग आएंगे और वो भी देखेंगे। वो ट्यूलिप गार्डन से ही हम कश्मीर का टूरिज्म प्रीपोन होता है, और टूरिज्म ट्यूलिप गार्डन से ही टूरिज्म कश्मीर का स्टार्ट होता है और प्रीपोन होता है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि कश्मीर का टूरिज्म, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म इस साल बहुत अच्छा होगा। हमने उम्मीद की थी कि 20 तारीख को खुलेगा, लेकिन हम इस खोलने के लिए डेट के लिए एक दो दिन हमें लग जाएंगे, और फाइनल कॉल हम इंशाल्लाह एक दो दिन में ले जाएंगे। अरे टूरिस्ट से यही कहना चाहता हूँ कि वो हमारे गुली लाला को देखने के लिए जरूर आएं।